हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सिक्स चैप्टर ऑफ द बुक अ पैक्ट विद द सन एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, मतलब एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से ली गई है और आपने हो सकता है सुनी हो ये कहानी कि कैसे मंकी और क्रोकोडाइल यानी बंदर और मगरमच्छ दोस्त बनते हैं और फिर कैसे उनकी दोस्ती टूटती है। तो कैसे टूटती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम इसकी स्टार्टिंग से। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक बंदर जो है वो एक पेड़ में रहता है और वो पेड़ कहाँ है? बैंक ऑफ ए रिवर। बैंक ऑफ ए रिवर होता है नदी का किनारा, और एक बैंक होता है बच्चों जो बैंक जिनमें हम पैसे अपने जमा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बैंक का मतलब है नदी का किनारा। रिवर मीन्स नदी। He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. तो वो क्रोकोडाइल के साथ उसे अपना दोस्त बना लेता है, दोस्ती करता है। Gave him delicious fruits. Delicious होते हैं रस भरे, मीठे, स्वादिष्ट। To eat, खाने के लिए। And sent some for his wife. और कुछ fruits वो उसकी पत्नी के लिए भेजता है। कौन? Monkey. They met regularly and talked. The monkey in the tree and the crocodile on the ground. तो वो दोनों रेगुलर मिलते हैं, मतलब अक्सर डेली मिलते हैं, बातें करते थे। और जो मंकी है वो पेड़ पर होता है और जो क्रोकोडाइल है वो ज़मीन पर। तो वहीं से वो एक दूसरे से बात किया करते थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिटेल में कहानी। वंस होता है बच्चों एक बार, ठीक है। कोई भी कहानी जो स्टार्टिंग होती है तो उसको हम शुरू करते हैं कि एक बार की बात है, एक राजा था, है ना। तो वो एक बार जो है उसके लिए हम लगाते हैं ये शब्द वंस। ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ए मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट्स, ठीक है। मतलब एक बार नदी के एक किनारे एक बंदर ने फलों से लदे हुए पेड़ पर, लेडन विद फ्रूट मतलब फलों से लदे एक पेड़ के ऊपर, इन ए ट्री पेड़ में अपना घर बनाया। ये मेड अ होम मतलब घर बनाया। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। वो इस पेड़ पर खुशी खुशी रहता था और मन भरकर संतुष्टि से, मतलब आत्मसंतुष्टि जब तक उसे हो ना जाए, खाया करता था फ्रूट्स अपनी पसंद के, ठीक है। मतलब कि वो बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी उस पेड़ पर बिता रहा था, अपने मन पसंद जब तक उसका मन चाहे वो फल खाता रहता था। तो इस तरह से वो अपना जीवन बहुत हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी बिता रहा था। द मंकी वाज हैप्पी बट लोनली। अब जो मंकी था वो बहुत खुश था परंतु अकेला था। बट मीन्स परंतु, यानी कि खुश तो वो बहुत था लेकिन कमी क्या थी? उसका कोई दोस्त नहीं था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। इसलिए वो चाहता था कि कोई उसका कंपेनियन हो। कंपेनियन होता है साथी या दोस्त, ठीक है। वो चाहता था कि उसका कोई साथी हो टू टॉक टू, कि ताकि वो उससे बातें कर सके और क्या करे, शेयर द फ्रूट्स विद, और साथ ही अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ हो जो फ्रूट्स हैं वो भी शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। पर उसके आसपास मतलब कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं था मतलब उसके साथ के लिए। मतलब और जानवर तो छोड़ो, उसका कोई साथी बंदर भी, उसके जैसा कोई और बंदर भी वहाँ नहीं था, कोई दूसरा जिससे वो दोस्ती कर सके। कब तक नहीं था? जब तक कि एक क्रोकोडाइल जो है वो रिवर साइड पर, मतलब नदी के किनारे कहीं से आ ना गया। अपीयर्ड मतलब अपीयर्ड होता है प्रकट होना, ठीक है। तो जब तक वो क्रोकोडाइल नहीं आ गया तब तक बंदर वहाँ बिल्कुल अकेला था। हेलो देयर सेड द मंकी। अब जैसे ही मंकी ने क्रोकोडाइल को देखा उसने कहा, हेलो, डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे?
तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। अब क्रोकोडाइल ने भी बड़े पोलाइटली मतलब बड़ी नम्रता से रिप्लाइड जवाब देना, क्या कहा? गुड मॉर्निंग, ठीक है। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ अपनी पत्नी और अपने लिए खाने की या भोजन की तलाश में आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। आपने जो मुझे फ्रूट ऑफ़र किए मतलब आपने जो पेश किया कि मुझे बोला कि फ्रूट के लिए कि आपने उसने पूछा ना कि वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या आप कुछ फल खाना चाहेंगे, तो उसने कहा नाइस ऑफ यू कि आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फ्रूट्स के लिए पूछा, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये यहाँ पे ये क्रोकोडाइल है, ठीक है, और ये है मंकी और ये दे रहा है इसको फ्रूट्स टू ईट, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। अब उसने क्या तोड़ा? सम मतलब कुछ फल तोड़े, प्लक्ड होता है तोड़ना, और नियरेस्ट नज़दीक की शाखा से, तो बंदर ने नज़दीक की शाखा से कुछ फल तोड़े एंड थ्रू देम डाउन। देम मतलब फ्रूट्स, अगेन थ्रू मीन्स फेंकना, ठीक है। तो उसने शाखा से मतलब एक डाली खींचकर उससे फल तोड़े और उन्हें नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्रोकोडाइल को वो बहुत स्वादिष्ट लगे, मगरमच्छ को वो फल जो थे बहुत स्वादिष्ट लगे, रस भरे थे क्योंकि मीठे थे। थैंक्स ही सेड, फिर उसने कहा धन्यवाद। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, कि जब मैं अगली बार आऊँ तो क्या मुझे और मिलेंगे फ्रूट्स? सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। तो बंदर ने कहा सर्टेनली मतलब निश्चित हो, निश्चय ही मिलेंगे मतलब पक्का मिलेंगे, ऑफ कोर्स यू विल गेट इट। और कितने? एज मैनी एज यू लाइक, जितने आप चाहें उतने मैं आपको दे सकता हूँ, और सम फॉर योर वाइफ टू, कुछ आपकी पत्नी के लिए भी मैं दूंगा। डू कम अगेन, आप फिर आना। आई एम रादर लोनली हेयर, और वैसे भी मैं यहाँ अकेला ही होता हूँ, ठीक है। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। तो बंदर जो था वो सॉरी जो क्रोकोडाइल है मतलब मगरमच्छ जो था वो बंदर से रोज़ मिलने आने लगा। विजिटेड होता है रोज़ आना, रेगुलरली, रेगुलर मतलब जैसे रोज़ रूटीन में आना, और फ्रूट्स खाया करता था वो जो कि उसका होस्ट, होस्ट होता है मेज़बान जिसके पास वो आता था, और जो आता है वो गेस्ट होता है। जैसे हमारे घर में कोई आएगा तो वो हमारा गेस्ट होगा और हम उसके होस्ट होंगे, ठीक है। तो वो उसका जो मेज़बान था जो उसको होस्ट कर रहा था वो उसके लिए क्या फेंकता था? फ्रूट्स। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ फल वो अपनी पत्नी के लिए घर ले जाया करता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो अब बंदर और वो मगरमच्छ जो था अब दोनों वो बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, पक्के मित्र बन गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो बातें करते थे और वो कभी बात करते हुए थकते नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फाउंड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। तो किस बारे में बातें करते थे? दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो नंबर एक तो वो करते थे पक्षियों और जानवरों की बातें, नंबर दो अबाउट द विलेजेस जो आसपास नियर बाय मतलब जो आस उनके नियर बाय आस पड़ोस में जो गांव थे उनके बातें उनकी बातें किया करते थे, और द डिफ़िकल्टीज़ वो मुश्किलें जो गांव के लोग फेस किया करते थे अच्छी फसलें उगाने में क्योंकि बारिश की कमी थी। तो ये इस बारे में ये लोग तो नहीं मतलब ये मंकी एंड क्रोकोडाइल बातें किया करते थे। तो बच्चों अब देखो इसके बेस पे हम आपके जो एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला है
द मंकी वाज, ये देखो मैं बताती हूँ आपको, ये दो क्वेश्चन हैं, पहला और ये दूसरा, तो ये दोनों जो हैं हमारे इस पार्ट में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले इसका आंसर कर लेते हैं। द मंकी वाज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वाज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। मतलब जो बंदर था वो फलदार वृक्ष पर रहते हुए प्रसन्न था, परंतु उसकी जो प्रसन्नता थी दैट वाज नॉट कंप्लीट, वो अधूरी थी। तो व्हाट डिड ही मिस, तो वो क्या मिस करता था, ये इस प्रश्न का मतलब हुआ। तो क्या मिस करता था, ही मिस्ड अ कंपेनियन टू गेट रिड ऑफ हिज लोनलीनेस। मतलब वो अपने अकेलेपन में एक साथी की कमी महसूस करता था। तो आप लिखेंगे ही मिस्ड। अब यहाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन में आपको यहाँ डिड है और ये मिस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो ये डिड हट जाएगा और मिस जो है वो हो जाएगा मिस्ड। ठीक है, तो आप लिखेंगे ही मिस्ड अ कंपेनियन, COMPANION कंपेनियन टू गेट रिड ऑफ हिज लोनलीनेस। ठीक है, मतलब उसे एक साथी की, एक साथी को मतलब की कमी को महसूस किया करता था ताकि अपने अकेलेपन से वो छुटकारा पाए। और दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। तो ये हमने जो भी लास्ट में पढ़ा कि दोनों दोस्त किस बारे में बातें करते थे, तो इसमें आप लिखेंगे द टू फ्रेंड्स जनरली, अब यहाँ भी हम डिड हटाएंगे और टॉक को कर देंगे टॉक्ड। ठीक है, द टू पहले यहीं से शुरू करना है, द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, पहले यहाँ पे आपने अबाउट भी लिखना है, टॉक्ड अबाउट बर्ड्स कॉमा एनिमल्स कॉमा नियर बाय विलेजेस एंड डिफिकल्टीज ऑफ द विलेजर्स। ओके, कैसे शुरू करना है आपने, यहाँ से द से, द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक्ड TALKED अबाउट, फिर ये अबाउट बर्ड्स एनिमल्स नियर बाय विलेजेस एंड डिफिकल्टीज ऑफ द विलेजर्स। तो ये आप लिखेंगे दो प्रश्नों के उत्तर, और साथ में इसके जो हैं थोड़े से कॉम्प्रिहेंशन चेक हम करेंगे, तो वो मैं आपको वर्कशीट में दूंगी, उसे आप, उसके लिए आपको ये जो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ा है ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, फिर आप उसके जो आंसर हैं वो आराम से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।